हिंदुस्तान, ये देश दुनिया में किस लिए जाना जाता है? Why? Why India is a great country? क्योंकि इंडिया है लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। या इन देश का पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डीमोनेटाइजेशन, राइट? बट नो, नहीं। इनके अलावा कई सारे ऐसे रीजन हैं जो हिंदुस्तान को दुनिया में एक महान देश बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। वो कहते हैं ना, यहाँ पर टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, पर हर भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। यहाँ पर कारें और कपड़े नहीं, बल्कि सोच ब्रांडेड होती है। या नल में पानी भले ही थोड़ा डीले हो जाए, लेकिन चांद पर पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया था। इनके अलावा इसरो सक्सेसफुली लॉन्च 124 सैटेलाइट। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च अ सिंगल फ्लाइट ऑफ एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल केवल खेल नहीं है, बल्कि जुनून है, पागलपन है। और इन खेलों के मेजर भी यहाँ है और भगवान भी यहाँ है। साथ ही कबड्डी, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्मदाता है इंडिया। अगर बात की जाए फेस्टिवल की, तो जितने फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं, शायद उतने फेस्टिवल दुनिया में और कहीं मनाए जाते होंगे। और जो हिंदुस्तानियों की बातों में बात है, उसे समझने की कोशिश करना। और अगर कोई बात समझ में ना आए, देन इट्स योर फॉल्ट, बिकॉज भाषा के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इनमें से कुछ भाषाएं तीखी हैं और कुछ मीठी भी है। और मीठी से याद आया, शुगर वाज आल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया। और इंडिया हैज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो होगी दूध और शक्कर की बात, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में सी फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भी इंडिया में रहते हैं। और इंडिया के मसालों की वैरायटी की वाइब ने दुनिया को चटपटेपन का लाजवाब जायका दिया है। क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन है। और भारत दालों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आपको इंडिया के फूड की वैल्यू समझ में आ गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये सबसे पहले आचार्य बुद्याना ने कैलकुलेट किया था। इनके अलावा वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी भी इंडिया में थी। एंड नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, डेसिबल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब सबसे पहले दुनिया में भारत ने ही इजाद किए। आयुर्वेद को दुनिया का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। भास्कराचार्य, जिन्होंने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये तो होगी पुरानी बात है। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को केवल 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड की ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि धारण की है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। और 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का एकमात्र सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय है। और इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। बात करें सिनेमा की, तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। यहाँ पर सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, लाइफ स्टाइल है। और इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन द वर्ल्ड। और इंडिया से सस्ता इंटरनेट दुनिया में और कहीं है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इंडिया। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, मार्शल आर्ट, योग, जीरो, यूएसबी, टॉयलेट फ्लश टेक्निक, शैम्पू, पेन की इंक, बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है। जहाँ पर आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहाँ पर एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, काबिलियत और अपनी सोच के दम पर देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है, इसे देश के नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए।